Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 3rd May and cover करेंगे हम Economic Times को. बाकी अगर आपको न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो आप Telegram ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे. उसके थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके अंदर आपको सारी PDFs मिल जाती हैं. अब इसके अलावा एक छोटी सी बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. ऑलमोस्ट 13 डेज के बाद मैंने चेकआउट किया था कि मैंने सीरीज डाली थी, वापस से वीडियो डाली थी, और उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया. ऑलमोस्ट 800 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू. दूसरी बात की एक कमेंट था जो मुझे रिप्लाई करना था, बट थोड़ा सा मुझे इसमें सर एक्सप्लेन करना था, मैंने इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट करके रिप्लाई नहीं किया. मैं अभी रिप्लाई कर देता हूँ. सर एडिटोरियल पेज इज़ इंपॉर्टेंट और नॉट एज यू स्किप इट. तो बेसिकली क्या है कि एडिटोरियल पेज का थोड़ा मुझे पर्सनली क्लियर नहीं रहता है, और मैं एडिटोरियल मतलब मैंने बीच में कवर किए थे, अगर आपने तब सीरीज़ देखी हो तब वहाँ पर 2-3 दिन तो आपके फाइनेंस बेस्ड कभी कभी आ जाते हैं, बट मेनली आपके किसी पॉलिटिकल इशू या सोशल इशू पर आता है. जैसे अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखेंगे तो आज के आर्टिकल में इट इज़ गेटिंग लोनली एट द टॉप. तो बेसिकली ये आपकी कॉरपोरेट कल्चर से रिलेटेड और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें कनेक्ट करा कि ये एक ऐसी लाइन है जो मतलब कॉरपोरेट कल्चर के अंदर बोली जाती है कि मतलब अगर आपको बहुत ऊपर तक पहुँचना है तो आपको फ्रेंड्स कम बनाने होंगे, सोशल कम होना होगा, वो सब चीज़ें, और उस चीज़ को इन्होंने पॉलिटिकल आस्पेक्ट में समझाया है. तो ये चीज़ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक पूरा एडिटोरियल है, मैंने अभी ये पढ़ भी लिया है पूरा, बट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये फाइनेंस बेस्ड ज़्यादा नहीं है. और मतलब अगर आपको वो कंटेंट चाहिए जो फाइनेंस बेस्ड है, जो मैं ऊपर कवर करता हूँ, तो ये आपके कैसे काम आएगा मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती. अगर कोई बता सकता है तो आई वुड बी हैप्पी इसको कवर करने में फ्यूचर में, तो आप मुझे कॉमेंट से ज़रूर बताइएगा. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. मैं एक बार ऊपर तक पहुँच जाता हूँ, उसी ट्रैक पे हम कवर करेंगे. आपको कमेंट्स में मैंने देखा था कि ठीक लग रहा है जो आपका वे है, कल कर रहा था मैंने कवर, तो उसी से स्टार्ट करेंगे. पार्ट सप्लाई स्टिल वीकेस्ट लिंक इन प्रोडक्शन चेन. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, पार्ट्स रेफर कर रहे हैं कंपोनेंट्स को जो कि ऑलरेडी मतलब बने हुए हैं और रिक्वायर्ड होते हैं फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उनकी सप्लाई जो है बहुत कम हो गई. इसके मल्टीपल रीजन हम नीचे देखेंगे. तो उसकी वजह से वीकेस्ट लिंक जो है वो प्रोडक्शन चेन में है. मतलब कि ये सबसे ख़राब बात हुई है प्रोडक्शन चेन के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल इज़ द फर्स्ट थिंग, उसके बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता. हालांकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं जैसे लेबर है और बाकी आपकी कॉस्ट होती हैं, तो वो सब भी एक इनहेरेंट फैक्टर रहते हैं, उनके बिना भी कुछ नहीं हो सकता. तो यहाँ पर आपकी दो इंडस्ट्री हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. इनके ऊपर बहुत नेचुरल सी बात है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं जनरली बनाने में फाइनल प्रोडक्ट को, तो उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा. बाकी और भी इंडस्ट्रीज इसमें भी यूज़ होता है, उसमें ये जनरली इफेक्ट कर रहा होगा. इसके अंदर 2-3 रीजन जो मैंने ऊपर मेंशन किए थे वो ये, आपका पहला यूक्रेन वॉर, जो भी चीज़ें वहाँ से आती थी या ग्लोबली और किसी इकोनॉमी से आती थी या रशिया के चाइना या रशिया यूक्रेन के थ्रू आती थी किसी इकोनॉमी से थ्रू मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट, तो वो भी हिट हो जाएगी. सेकेंड चीज मतलब हिट हो रखी है ऑलरेडी. सेकेंड चीज़ है चाइना कर्व्स हिट आउटपुट. तो बेसिकली चाइना के अंदर कोविड वापस बहुत ज़्यादा फैल गया है, अगर आपको नहीं पता. अब तो मतलब इंडिया के अंदर वापस से ही फैल रहा है, तो मतलब वो सी चीज़ें हैं. तो चाइना के अंदर बेसिकली वापस से लॉकडाउंस लग गए हैं काफ़ी सारी जगहों पर, तो उसकी वजह से आउटपुट वहाँ का कम हो गया है एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट्स भी अब कम आ पा रहे हैं. इनपुट कॉस्ट एट लाइफ टाइम हाइज, ये इन्फ्लेशन का पॉइंट है. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस टाइम पर, WPI अपने मैक्सिमम पर है, और ये सब चीज़ें मैंने पहले भी कवर की थी, तो उसकी वजह से आपका इनपुट कॉस्ट भी बढ़ चुका है. अब क्या होता है, कॉस्ट के बढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब ऐसे कॉस्ट नहीं चलती कि कॉस्ट बढ़ती रहेगी और लोग मंगाते रहेंगे उतने ही सामान. कॉस्ट बढ़ती है तो होलसेल लेवल पे भी डिमांड में फ़र्क पड़ता है. ऐसा नहीं होगा कि कॉस्ट बढ़ेगी और लोग उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना पहले कर रहे थे और अपना सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे. सेलिंग प्राइस फ्लक्चुएट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए प्रोडक्शन को कभी कभी डाउन इनको करना पड़ता है और शॉर्ट टर्म में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट लेना पड़ता है. आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कुड नॉट मैन्युफैक्चर अबाउट 10% ऑफ द प्लान्ड आउटपुट इन अप्रैल एंड इंप्लीमेंट एन इंपैक्ट विल बी बिगर इन मे. तो बेसिकली पिछले महीने की ये प्रोडक्शन की रिपोर्ट दे रहे हैं. पिछले महीने जो प्रोडक्शन हो सकता था उसका 5-10% लॉस हो गया इस सब रीजंस की वजह से और नहीं हो पाया, और मे के अंदर ये इंपैक्ट और भी बड़ा हो सकता है. अब ये चीज़ें वापस से आपको अगर दिख रहा हो तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली चीज़ आपको हो सकता है कहीं क्लिक आ रही हो, क्योंकि कोविड वापस से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन वापस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्टॉक मार्केट नीचे ऑलरेडी जा चुका है, तो एक वे है कि वो वापस ऊपर जा सकता है क्योंकि पिछले कोविड में बढ़ा था. तो मतलब इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं जैसे कुछ टाइम 2 साल लगभग पहले थी. खैर, सप्लाई साइड चैलेंज नॉट अ डिमांड साइड स्लो डाउन. तो ये मैंने आपको बता दिया, सप्लाई साइड का चैलेंज है, नॉट अ डिमांड सप्लाई. मतलब ये अच्छी लाइन थी, बस मैंने इसलिए यहाँ पर हाईलाइट कर दी. आगे चलते हैं. LIC IPO 5600 करोड़ रेज फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स. तो एंकर इन्वेस्टर्स का मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है. एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जो IPO से जस्ट पहले कंपनी के अंदर
प्राइवेटली इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये इन्वेस्टर्स जनरली क्या होते हैं, ये लिस्टिंग गेन्स के लिए, आईपीओ गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बट ऐसा कोई वो मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसके अंदर LIC IPO में उन्होंने IPO से जस्ट पहले 5600 करोड़ रुपीज़ के एंकर इन्वेस्टर से फंड रेज किए हैं। अबाउट 59 मिलियन शेयर्स उन्होंने मतलब इशू किए हैं, और अगर आप इसको डिवाइड भी कर लेते हैं तो आपका 949 रुपीज़ का ईच शेयर आ जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने किया। अब अगर 949 की वैल्यू आप देखेंगे तो जो इन्होंने अपना IPO निकालना है उसमें हाईएस्ट प्राइस है 949। अगर आप देखेंगे मैंने शायद यहाँ पे हाँ यहाँ पर ही लिखा है द अपर एंड ऑफ प्राइस बैंड फॉर द IPO, मतलब ये अपर एंड है प्राइस बैंड का IPO के लिए, मतलब इससे महंगा शेयर IPO में कम से कम नहीं जाएगा। तो ये चीज़ है अहेड ऑफ स्टेट्स इंश्योरेंस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया स्टेट रन इंश्योरर का मतलब है LIC। अब यहाँ पे आगे चले तो ये कुछ कंपनीज हैं और फंड्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के, उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस पूरे एंकर इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो CPPIB, CDQB मतलब बहुत सारे हैं, ये पढ़ सकते हैं। और CPPIB इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी बन चुकी है। ये कैनेडियन एक पेंशन फंड है जो इसके अंदर इन्वेस्ट करता है इंडिया के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स के अंदर। LIC डिड नॉट पुट आउट डिटेल्स ऑफ द एंकर इन्वेस्टर अलॉटमेंट टिल प्रेस टाइम मंडे। तो मतलब प्रेस टाइम मंडे का मतलब होता है जिस टाइम पे आपका न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा होता है उससे पहले तक जो भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो वो जो टाइम होता है वो प्रेस टाइम होता है। तो मतलब बेसिकली डेज को इन्होंने प्रेस ने खुद डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि क्या होता है कि प्रेस को अगले दिन न्यूज़पेपर छापना होता है और पिछले दिन की न्यूज़ होती है, तो वो एक टाइम का गैप वहाँ पे ज़रूर रहेगा जो प्रिंटिंग में लगेगा, आर्टिकल्स को डेवलप करने में लगेगा। तो वो चीज़ वहाँ तक जब तक टाइम था तब तक उन्होंने अपनी डिटेल्स नहीं निकाली थी कि किस कंपनी को जो ये सारी मेंशन है कितने शेयर्स मिले हैं 59 मिलियन में से। आगे चलते हैं इंडिया की टू डेलॉयट ग्रोथ स्ट्रेटजी। यहाँ मैंने छोटा सा कट लगाया हुआ है, ये आपके लिए कोई रेलेवेंट न्यूज़ नहीं है, फिर मैं बहुत छोटे में एक्सप्लेन कर दूंगा। ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डेलॉयट के। डेलॉयट आपको आई होप पता ही होगा, बिग फोर में इसका नाम आता है और बहुत बड़ी फाइनेंस की कंपनी, टैक्स इन सब चीज़ों की कंसल्टेंसी कंपनी है। पुनीत रंजन के मतलब ये इनके ग्लोबल CEO हैं, और इन्होंने बोला है कि अब इनकी 20% वर्कफोर्स, 20% इनके जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो इंडिया से बेस्ड हैं। तो इसलिए इनकी मतलब इंडिया काफ़ी बड़ी एक ग्रोथ स्ट्रेटजी की मार्केट है, ग्रोथ इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए। और दूसरी बात, इनका जो नंबर है वो 90,000 क्रॉस कर चुका है, जो कि काफ़ी एक बड़ा मतलब स्टैंड पॉइंट है, और ये 1 लाख की एक साइकोलॉजिकल फिगर के भी काफ़ी पास है। और 90,000 सारे इंडिया के अंदर हैं, ये मतलब टोटल नहीं है, ये 20% पार्ट फॉर्म करते हैं। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। EU चार्जेस एप्पल पे इन लेटेस्ट एंटी ट्रस्ट केस। तो मैंने यहाँ पे एंटी ट्रस्ट केस का ये खोला हुआ है। तो बेसिकली US के हम एंटी ट्रस्ट लॉज की बात कर रहे हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब एंटी ट्रस्ट लॉ का बेसिक ये होता है कि कंज्यूमर होता है उसको हमें एक फेयर कॉम्पिटिशन मार्केट में वो सर्वाइव कर सके। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर वेजिटेबल वेंडर्स हैं बहुत सारे, तो क्या कर सकते हैं वो लोग, वो मतलब सारा सप्लाई सिर्फ उन्हीं के पास है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर खुद आज की डेट में अपनी वेजिटेबल्स को होम ग्रोन कर सकता है और खा सकता है, मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट वो नहीं है, डिपेंडेंट है वो बाहर की इकोनॉमी पे। तो क्या हो सकता है कि वेजिटेबल वेंडर्स सब अपना एक कार्टल बना लें और सब अपने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। सब अपने प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो डिपेंडेंट तो है तो वो उनको ख़रीदना ही पड़ेगा, बट वो एक फेयर कंपटीशन मार्केट नहीं होगा और एक रियल वैल्यू वो नहीं दे रहे होंगे किसी भी चीज़ की, एक फिक्शनल वैल्यू दे रहे होंगे। अगर आपने कभी वॉलमार्ट में देखा हो, वॉलमार्ट में बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं, जो मतलब US मार्केट के रेफरेंस में मैं कह रहा हूँ, बट वहाँ पे वेजिटेबल्स और ये जो फ्रूट्स होते हैं ये सब चीज़ें बहुत महंगी मिलती है, तो लोग जनरली प्रेफर नहीं करते। तो बेसिकली ये चीज़ें डिपेंडेंस पे डिपेंड करती हैं, ये काफ़ी वो हो गया। बट यहाँ पर एंटी ट्रस्ट लॉज जो है इसके लिए एक अथॉरिटी जो US के अंदर है, इन्होंने एप्पल पे पे ये केसेस लगाए हैं। एप्पल पे क्या करता है, एप्पल पे सिर्फ आईफोन यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली एप्पल पे अगर किसी को यूज़ करना है तो मतलब क्या होता है कि इन्होंने लीगली एप्पल पे को आईफोन से अपनी पूरी एप्पल कंपनी से अलग से सेटअप कर रखा है, क्योंकि ये एक फाइनेंस बेस्ड कंपनी है और एप्पल एक टेक बेस्ड कंपनी है। तो फाइनेंस बेस्ड कंपनीज में आप मोनोपोली कैसी खड़ी कर सकते हो, उसका राइट आप दूसरों को क्यों नहीं दे रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्यों ऐसा है कि आईफोन के अलावा किसी और फ़ोन में आपका एप्पल पे नहीं चल रहा है, ये आप परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो। इस बेसिस पे इन्होंने अपना एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर्स ने लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, चार्ज द आईफोन मेकर विद रिस्ट्रिक्टिंग राइवल्स एक्सेस टू इट्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर मोबाइल वॉलेट्स। तो इस तरीके से इसके ऊपर एलिगेशन लगाए। अब आपको इसके ऊपर और ज़्यादा पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा केस है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से चलेगा, क्योंकि मैं आपको नीचे एक और दिखाता हूँ। गूगल के ऊपर एक एंटी ट्रस्ट का फाइन वापस से लगा है, तो ये एंटी ट्रस्ट का फाइन गूगल पे मतलब ऑलमोस्ट 6-7 टाइम लग रहा है। गूगल के ऊपर इंडिया ने काफ़ी बार ये सेम सिमिलर अमाउंट
क्लॉज से एक फाइन लगाए हुए हैं और ये सब चीजें करी हुई हैं, तो इसके बारे में आपको ज्यादा और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ी चीज होती है तो ऑब्वियसली बात है वो पेपर के अंदर आ जाएगा, मैं आपको कवर कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नीचे। टाटा मोटर्स आइस 500 मिलियन टू 700 मिलियन बिजनेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड बसेस। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड बसेस का क्या मीनिंग है। ईवी सेक्टर के अंदर ट्रक्स और बसेस किसी ने आज तक बनाए नहीं है और टाटा मोटर्स वो पहली ऑलमोस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर जो बना रहे हैं, मतलब पहली बड़ी कंपनी कह सकते हैं, और वो 500 टू 700 मिलियन का इनको बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेक्टर से, ईवी ट्रक्स एंड ईवी बसेस से। तो यहाँ पर ये जो बिजनेस है इसका मीनिंग है टॉप लाइन, यानी सेल्स की बात ये कर रहे हैं यहाँ पर, 500 टू 700 मिलियन का सेल्स की बात कर रहे हैं। आगे देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा फैक्टर इसके अंदर आता है जो कि ओनली रिलेवेंट पॉइंट है पूरे आर्टिकल के अंदर, जिसके अंदर टाटा मोटर्स ऑलरेडी लोएस्ट बिडर इन गवर्नमेंट टेंडर फॉर 5500 इलेक्ट्रिक बसेस एंड ऑर्डर विद बिजनेस पोटेंशियल ऑफ ओवर 3000 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000 करोड़ रुपीज़ तो ऑलमोस्ट इनको गवर्नमेंट की एक ही टेंडर से मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑलरेडी ये लोएस्ट बिडर हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इनको ये बिड मिलने वाली है या प्रोजेक्ट मिलने वाला है। इसके अंदर इनको 5500 इलेक्ट्रिक बसेज और ये सब सप्लाई करना है गवर्नमेंट को, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अगर आप चाहें तो उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितना आएगा, 3000 को आपको 70 से डिवाइड करना है और वो चीज़ें करनी है, फिर कॉमास चेंज करने हैं, बस आपको समझ में आ जाए कितना ऑलरेडी गोल अचीव इनका हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो ये न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग अप इन अप्रैल अमिड हाई इन्फ्लेशन। तो आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अप हो चुकी है। अब यहाँ पर एक कन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आपको लग सकती है, जो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर 5-10% हिट रहा है अप्रैल के अंदर प्रोडक्शन के अंदर, तो वो चीज़ बिल्कुल सही है और ये चीज़ इस सेक्टर पर अप्लाई नहीं होती है। ये बाकी सेक्टर्स की बात करें जिसपे जनरली, मतलब वो ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंडिया से ही चीज़ें सोर्स करते हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जो ये चीज़ें, बट इसके अंदर यहाँ पर इंडिया बेस्ड फोकस काफ़ी ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसके अंदर एक इंडिकेटर की मैं बात करूँगा आगे। तो आगे पढ़ते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर यहाँ पर इंडियाज मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड फाइनेंशियल 2023 ऑन अ हाई नोट इवन एज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इंटेंसिफाइड ओइंग टू राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, द रशिया यूक्रेन वॉर एंड द ग्रेटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, वही सारे फैक्टर्स लिखे हैं बट लिखा है डिस्पाइट, यानी ओइंग टू, मतलब ये उसके बावजूद, यानी उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपका बढ़ गया, मतलब कुछ सेक्टर्स के अंदर बढ़ गया प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द प्राइवेट सर्वे शोड ऑन मंडे द S&P ग्लोबल इंडेक्स इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो बेसिकली हफ्ते मतलब वीक वाइज कैलकुलेट करता है कि कितना प्रोडक्शन आपका हो रहा है और उसको मंथ में कंपाइल करके फिर आपकी रिपोर्ट्स निकालता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रैल के अंदर ये फिगर 54.7 पर थी और मार्च में 54 पर थी, तो इस फिगर के अंदर इंक्रीज आया देख सकते हैं। बट सिंस मैंने आपको बताया ऊपर भी कि ऑटोमोबाइल और जो दूसरी एक और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर था, तो इन सब में और काफ़ी सारे और भी जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड स्टार्टअप कंपनीज हैं ये सब हैं, उन्होंने इस प्रोडक्शन पे हिट लिया है, तो उसकी वजह से ज़्यादा बड़ा इंक्रीज़ नहीं आ पाया कुछ, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल सा ही इंक्रीज़ इसके अंदर है। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक वो इन्होंने फैक्चुअल सा दिया हुआ है कि रीडिंग अबव 50 इंडिकेट्स एक्सपेंशन इन एक्टिविटी। 50 के ऊपर अगर होता है तो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा होता है एक्सपेंशन के अंदर, इस इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो। तो ये चीज़ है इसके अंदर ग्रोथ गेन्ड इन पेस इन इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड्स। तो मैंने आपको बताया कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं वो मशीनरी प्रोड्यूस करने वाले, मतलब वो मशीनरी जो आगे कुछ चीज़ प्रोड्यूस करे। तो एक तो होता है जैसे रॉ मटेरियल होता है, तो अगर आप मिल्क को देखेंगे, मिल्क बहुत एक ईजी एग्जाम्पल है, मिल्क एक रॉ मटेरियल है अगर आपको कोई स्वीट बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मिल्क एक रॉ मटेरियल हुआ, वो आपका कंपोनेंट में आएगा जो हमने फर्स्ट न्यूज़ में कवर किया। अब यहाँ पर कैपिटल गुड क्या होगा, अगर आपको मिल्क से स्वीट बनानी है तो आपको कोई मशीनरी लगेगी, आपको एक कन्वेयर बेल्ट हो सकता है लगती हो, अगर आपको स्वीट्स को कूल करना है कुछ भी करना है, या फिर आपको प्रोसेस के लिए मिल्क को स्वीट में कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है कोई मिक्सर वगैरह चाहिए हो, तो वो सब चीज़ें आपकी कैपिटल गुड में आएगा यहाँ पर। तो ये डिफरेंस होता है मेन आपके कंपोनेंट और कैपिटल गुड के अंदर। आई होप आप ये समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो नोट भी कर सकते हैं अगर आपने ये चीज़ पहली बारी ऑलमोस्ट सुनी है तो। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूज से। स्टेट रन बैंक्स वॉइस कंसर्न्स ओवर न्यू गाइडलाइंस ऑन फ्रॉड्स। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताता हूँ, बहुत ही बड़ी न्यूज़ हो जाएगी अगर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने एक एंटिटी को सेटअप किया है ABBFF, तो मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। ABBFF है आपका एडवाइजरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। अब इसमें हुआ क्या है, इस फ्रॉड ये क्या करेगा, आपको समझ में आ रहा होगा नाम से थोड़ा थोड़ा, कि फाइनेंशियल फ्रॉड से थोड़ा थोड़ा डील कर रहा है, उसके ऊपर कुछ एडवाइजरी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या एडवाइजरी दे रहा है, गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि अगर किसी कोई ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जिसकी, मतलब जितना फ्रॉड हुआ है अमाउंट वो 50 करोड़ से अबव है, 50 करोड़ से अबव होने पर क्या होगा, ये ABBFF ये स्क्रूटिनी करेगा,
यानी कि एक और लेयर ऐड कर दिया है। बहुत सारे और भी आरबीआई है, सेबी है, और बहुत सारे और भी मतलब कोर्ट्स तो होती हैं, वो सब चीज़ें तो अपने आप अपनी स्क्रूटनी करते ही हैं। उसके बावजूद भी एबीबीएफएफ भी अपनी स्क्रूटनी करेगा, और गवर्नमेंट इसके अंदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाएगी, सबको लाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि हम इसको फ्रॉड को डील करने के लिए बनाएं। बट हुआ क्या है यहाँ पर, मैं एक बार वापस एक और बात बता देता हूँ। द एबीबीएफ वाज सेट अप टू फंक्शन एज सेफ्टी वॉल फॉर बैंकर्स एंड क्रिटिकली कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम इन द ग्रेविटी ऑफ लैप्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बेसिकली लैप्सेस का मतलब होता है कि जो ऐसा फ्रॉड हो गया, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जो उसकी ओनरशिप लेगा, उसका ओनर्स लेगा, यानी कि कौन किसको पनिश करोगे बेसिकली। तो वो उन सब चीज़ों की ग्रेविटी समझने के लिए, ग्रेविटी बहुत ही अच्छी टर्म लगती है मेरे को इस कॉन्टेक्स्ट में। ग्रेविटी का मतलब है उसकी गहराई समझने के लिए, गहराई के लिए यहाँ पर डेप्थ कई बार यूज़ नहीं करते हैं, ग्रेविटी यूज़ कर लेते हैं, जो मतलब लिटरली सही नहीं है, बट हाँ अच्छा लगता है। यहाँ पे आगे देखें तो अब बोला ये गया है, अब गवर्नमेंट ने आप समझ सकते हैं स्टेट रन बैंक्स वॉइस कंसर्न। तो ये जो कंसर्न है वो क्या है वो समझाता हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो फ्रॉड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब इंटेंशनली नहीं रहते हैं वो, उनके साथ मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसे फ्रॉड हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये अलेज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, बहुत नेचुरल सी बात है क्योंकि उनके फेवर में ये डिसीजन लिया हुआ है। बट फिर भी वो अलेज कर रहे हैं, उनका पॉइंट ये है कि एवरी कंप्लाइंट टिल इट्स रिजॉल्व इज अंडर स्क्रूटिनी एंड ऑल दोज इम्प्लीकेटेड कैन नॉट टेक एनी अदर डिसीजन। तो वो क्या चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बात खत्म हो, और ऐसा नहीं होगा अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है, एवरी कंप्लेंट टिल इट्स रिजॉल्व इज अंडर स्क्रूटिनी, मतलब हर चीज़ को स्क्रूटिनी के अंदर लिया जाएगा, वापस से एक और लेयर ऐड हो गई जो मैंने आपको बोला था, और वो चीज़ कॉम्प्लिकेट कर देगी और इम्प्लीकेट करेगी कि आप जो बैंक है वो थोड़े दिन के लिए फ्रीज हो जाएगा और कुछ उस रिस्पेक्ट में डिसीजन नहीं ले पाएगा। अभी के लिए बैंक्स क्या करते हैं, अभी के लिए बैंक्स बैड डेप्ट में अपना शो कर देते हैं और उसकी वजह से आगे मूव ऑन कर जाते हैं फटाफट। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये बैंक्स का मेन कंसर्न है। बट ये ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, और इसका जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर क्या स्टांस लेता है आगे देखते हैं। अब ये न्यूज़ भी इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर के अंदर और रेलेवेंट हो जाए जब कोविड अगर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। बट डिपेंडेंस ऑन नेशनल रूरल जॉब स्कीम डिक्लाइंस। तो बेसिकली मनरेगा जो स्कीम है इसके बारे में आपको पता ही होगा आई होप। तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया जाता है, और अगर नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती किसी एम्प्लॉयबल पीपल को, अब एम्प्लॉयबल पीपल की बहुत सारी डेफिनेशन है वो बाद में कवर करेंगे, तो गवर्नमेंट एक छोटा सा इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मनरेगा स्कीम के अंदर अगर कोई रजिस्टर करवा लेता है और गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रही काम, तो वो आपका इंसेंटिव प्रोवाइड होता है। बट अगर ऐसा हुआ कि किसी ने रजिस्टर ही नहीं किया, या किसी ने रजिस्टर करके रखा हुआ है, जॉब्स आ रही हैं पोर्टल के अंदर या जॉब्स उसको बताई जा रही हैं, बट वो जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता, तो क्या होगा, तो डिप आ जाएगा, यानी कि मनरेगा की अब डिमांड खत्म हो रही है। ऐसा ही हुआ है अप्रैल के अंदर, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 11% की डिप आई है, यानी कि 11% लोग कम डिमांड कर रहे हैं मनरेगा के थ्रू जॉब्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड फेल 13% 32.8 मिलियन फ्रॉम 37.8 मिलियन इंडिविजुअल्स हु डिमांडेड वर्क फ्रॉम अंडर द स्कीम को। तो बेसिकली ये चीज़ हुई है। अब यहाँ पर अब ये मतलब गवर्नमेंट के लिए मिक्स सिचुएशन है, मिक्स कैसे है कि गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव बात है कि उसको कम खर्चा करना पड़ेगा मनरेगा स्कीम के बेनिफिट्स देने में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, और नेगेटिव बात ये हो जाती है कि गवर्नमेंट ये सोशल जस्टिस कैसे प्रमोट करेगी, क्योंकि मतलब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से एक साल के अंदर ही सब कुछ सॉल्व हो गया और लोगों को अब मतलब 10% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, 10% लोगों को चाहिए ही नहीं जॉब, ऐसा नहीं हो सकता है। ये कुछ यहाँ पे और फैक्टर है, और फैक्टर यहाँ पर इन्होंने कुछ भी एनालाइज करने की कोशिश जरूर की है बट बताया नहीं है एज सच, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सजेस्टिंग रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन सेंटर्स फ्लैगशिप रूरल जॉब्स, यानी कि लोगों की डिपेंडेंस खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है सेंटर के फ्लैगशिप इस रूरल जॉब प्रोग्राम के लिए। बट ऐसा क्यों हुआ है ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ पर कहीं पे भी अभी नहीं लिखा है, और आता तो मैं अगेन आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस शुड कम एज अ रिलीफ टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पिछले 2 साल से अगर आप बजट फॉलो कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, यहाँ पे लिखा भी है विच हैड ओवरशॉट इज एक्सपेंडिचर ऑन द स्कीम फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी कि 2 साल से बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है और बजट अपना नीचे जा रहा है, तो उसकी वो भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा गवर्नमेंट को। अभी 2-3 न्यूज़ फटाफट कवर करते हैं। ब्रोकरेजेस एडवाइस सब्सक्राइबिंग टू LIC IPO, बहुत बेसिक न्यूज़ है, LIC IPO के अगेन गुणगान गा रखे हैं इसके अंदर बहुत सारे, और मतलब जैसे ब्रोकरेज फॉर्म्स हैं एंजल ब्रोकिंग, जियोजिट, ये आपको जो सब रेड में दिख रहा है, तो उन सब ने अपनी एक स्टांस दिए, एक वो दिया है कि आपको सबको खरीदना चाहिए। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर एक कहीं ना कहीं से कुछ फाइंड करें ऐसा कि LIC में क्या दिक्कतें हैं, मतलब
LIC IPO में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स जरूर फाइंड करें। अगर आपको कुछ मिलता है, आपको पता है वैसे, तो आप कमेंट कर में जरूर बता सकते हैं, मैं फीचर कर दूंगा उनको अपने लिंक्डइन पे या फिर किसी चीज़ पे। तो इसके अंदर भी देख सकते हैं डिस्काउंट ऑफ 45 and 60 फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड LIC पॉलिसी होल्डर्स मेक द इशू मोर अट्रैक्टिव फॉर दीज सेगमेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बेसिक बात है, मैंने आपको कल भी बताया था, 45 rupees का रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट मिल रहा है और 60 rupees का अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है पर शेयर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। बजाज ऑटोज अपसाइड में भी लिमिटेड इन द नियर टर्म बाय सप्लाई कॉस्ट बम्प्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन वही सप्लाई कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सप्लाई आपका मतलब नीचे जा सकता है बजाज ऑटो, क्योंकि ऑटो सेक्टर के अंदर है तो इसका भी जा ही सकता है नीचे, हमने फर्स्ट न्यूज़ के अंदर ही कवर किया था, क्योंकि कॉस्ट में बम्प आ गया। कॉस्ट में बम्प का मतलब कॉस्ट में इंक्रीज आ गया। कॉस्ट में डिक्रीज आता है तो कभी ऐसे सप्लाई मतलब नीचे नहीं जाएगी, कॉस्ट में इंक्रीज की वैसे हुआ है। सप्लाई डिसरप्शन मतलब ये चीज़ मैंने इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि बम्प का मतलब जनरली होता है नीचे गिर जाना, ऐसा कुछ होना। तो ये चीज़ है, जून क्वार्टर आउटपुट में भी लोअर बाय 15-20%, ये मैंने आपको बता दिया। जून क्वार्टर का मतलब होता है आपका अप्रैल मई जून का पीरियड, जो आपका क्वार्टर वन बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्लाई अच्छा, मैं अगर आपको एक फन फैक्ट बताऊँ यहाँ पर, तो इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है, वो बाहर की अगर आप कंट्रीज़ की बात करेंगे तो वो ऐसे फॉलो नहीं करते हैं, वो जैन टू दिसंबर ही फॉलो करते हैं अपने नॉर्मल ईयर की तरह फाइनेंशियल ईयर को। एक छोटा सा ट्रिविया मैंने आपको यहाँ पे ऐसे दे दिया। सप्लाई डिस्ट्रप्शन एंड राइजिंग कॉस्ट हेडविंड्स। तो बेसिकली ये वही है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रही है, सप्लाई नहीं आ पा रही है और कॉस्ट आपकी बढ़ रही है उसकी वजह से। प्रोडक्शन इन जून क्वार्टर इज लाइकली टू बी लोअर बाय 15-20% और 42,000 to 57,000 मोटर बाइक्स। तो बेसिकली ये है, 15-20% से आपका प्रोडक्शन नीचे जा सकता है और ये इतना मोटर बाइक्स के अंदर ये कन्वर्ट होकर दिखेगा। बजाज ऑटोज वॉल्यूम ग्रू बाय 8.4% इन फाइनेंशियल 2022 टू 43.1 लाख यूनिट्स ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मतलब टोटल जो इनका शेयर है एक्सपोर्ट्स के अंदर वो 60% पर पहुंच गया है, पिछले साल 54.3% पर था। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे अब आउटपुट ही कम आ रहा है इस साल, तो अब ये वापस से वॉल्यूम डिक्रीज हो सकती है। बाकी इसके अलावा फाइनेंशियल 2022 की बात करें, यानी कि इस साल के मार्च तक की बात करें, तो ये वॉल्यूम 8.4% तक ग्रो हुआ है। अब मार्च के अंदर इनका रिडक्शन हुआ है, मार्च के अंदर रिडक्शन होते हुए भी ये चीज़ ग्रो करी है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। बड़े पिछले पूरे साल को फैक्टर इन कर रहे हैं तो मार्च उसके अंदर 1/12 ओनरशिप रखता है, सिर्फ 1/12 कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो ये न्यूज़ है आपकी, HDFC नेट अप 16% इन Q4 ऑन स्ट्रॉन्ग लोन डिमांड्स फॉर इंडिविजुअल्स। तो ये अगेन मैंने आपको कल ही बताया था कि नंबर क्रंचिंग करके मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा, तो ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। HDFC ने अपना प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया है Q4 का, और उसका जो नेट है, नेट मतलब नेट प्रॉफिट है, वो 16% से बढ़ा है। और उसका रीज़न मेन बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लोन डिमांड रही है। स्ट्रॉन्ग लोन डिमांड के अंदर ऑब्वियसली बात है बैंक को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फ्रॉम इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर इंडिविजुअल से स्ट्रॉन्ग लोन डिमांड रही है, और HDFC बैंक का जो आपका मतलब एक रेशो होती है, निकाली जाती है कि कितना लोन्स पर डिफॉल्ट हो रहा है, तो जो लोन्स पर डिफॉल्ट हो रहा है वो भी आपका कम हो गया अगर आप नीचे पढ़ते हैं इसको। बट मैं वापस एक बार पूरा इसको कवर नहीं करूँगा, बस जो मैंने अभी आपको डिफॉल्ट वाली फिगर बताई वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रॉस NPA, NPA मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब असेट क्यों लिखा है, क्योंकि एक बैंक के लिए लोन देना एक असेट होता है, क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे उस लोन के बदले में बाद में। तो वो चीज़ ग्रॉस NPA जो है वो 1.9% पर ड्रॉप कर गई है, और वो 2.32% पर थी दिसंबर 2021 के अंदर। इसका दिसंबर 2021 का मतलब है क्वार्टर थ्री ऑफ फाइनेंशियल 2022। तो उससे कंपेयर कर रहे हैं Q3 को Q4 से। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मैंने इसके अंदर और नीचे कुछ हाईलाइट नहीं किया हुआ, क्योंकि मतलब मेन चीज़ जो है ऊपर ही पूरी कवर हो जाती है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। FPI इज रेड फ्लैग सेबी प्रपोज रूल्स और ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स। पहले हम समझते हैं, थोड़ा टाइम लगा कि ESG क्या होता है। ESG पे बहुत सारे आपके मतलब मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, और गवर्नमेंट वाले पॉइंट को लेकर तो जरूर होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पहले ESG का मतलब होता है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग्स। मतलब रेटिंग्स जरूरी नहीं है, बट एक्टिविटी जरूरी है। तो ESG एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है कुछ एग्जांपल्स। इसका मतलब होता है कि आप जो जैसे कोई भी अपना मेन ऑपरेशंस करती है कोई भी कंपनी, तो वो एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ हार्म ज़रूर पहुँचाएगी, कुछ सोशल हार्म ज़रूर पहुँचाएगी, कुछ गवर्नमेंटल हार्म या पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल में हार्म पहुँचेगा। तो उसको मतलब फैक्टर इन करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, डील करने के लिए गवर्नमेंट वो कंपनी क्या करती है। जैसे मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कंपनी फर्टिलाइज़र बनाती है, तो फर्टिलाइज़र बनाने में ऑब्वियसली बात है वो अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को हेल्प करेगा फ्यूचर के अंदर। बट अभी के लिए जिस फैक्ट्री में वो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर जो पर्सन है उसकी सोशल लाइफ और उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है,
दूसरी बात जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उससे हो रहा है, उससे मतलब इन्वायरमेंट खराब हो रही है, तो इन सब के बदले में कंपनी क्या करती है, ये अच्छी कंपनी से एक्सपेक्ट किया जाता है। और अगर आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो क्या करोगे आप, तो मतलब ये चीज़ भी आपको फैक्टर इन करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी का प्रॉस्पर तभी होगा जब वो ये सब चीज़ें भी कर रही होगी, इस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगी। अब इसके अंदर इन्वायरमेंट और सोशल बहुत ईजी है, इन्वायरमेंटल आप समझ रहे हैं पॉल्यूशन से डील करने के लिए कुछ करना, सोशल आप समझ रहे हैं कि एम्प्लॉई के बेसिस पे सारी चीज़ें सही रखना, वो सब रखना। बट गवर्नमेंट गवर्नेंस इससे सॉरी गवर्नेंस का जो पॉइंट है इसके अंदर काफ़ी मिसकंसेप्शन रहती है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, गवर्नेंस गवर्नमेंट को हेल्प करना, गवर्नमेंट को हेल्प करना नहीं होता है, इसके अंदर होता है कि जनरली पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसी है, या फिर आप जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो कैसा रखते हैं, आप कितना बायस्ड हैं लोगों के साथ, अगर कोई बायस मतलब होता है कि कितनी आप तरफदारी करते हैं या वन साइडेडनेस होती है, वो सब चीज़ें होती है गवर्नेंस का पार्ट। तो ये चीज़ें भी ठीक होनी चाहिए मतलब एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब जो एक्चुअली में क्या है कि बड़ी कंपनीज फॉरेन के बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स को ERP फुल फॉर्म उसकी मतलब शॉर्ट फॉर्म उसकी ERPs को हायर करते हैं अपनी पूरी कंपनी की एक रेटिंग निकालने के लिए, जो ESG रेटिंग होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि ये ट्रेंड फॉलो होता ही था, बहुत सारी बड़ी कंपनीज ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स हायर करते थे, तो उसके वजह से SEBI ने एक रूल निकाल दिया कि वो रजिस्ट्रेशन कराएंगी ERPs का इंडिया के अंदर, मतलब SEBI के साथ उनको रजिस्टर होना पड़ेगा जो भी ये ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स हैं, और उनके लिए ये मैंडेटरी होगा, यानी कि अब जो बड़ी कंपनीज नहीं भी कर रही थी उनको भी ये करना पड़ेगा क्योंकि ये SEBI का फ्रेमवर्क आ चुका है। बट अब यहाँ पर अगेन मैंने ऊपर जो एक न्यूज़ में एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक बैंक्स ने ये इनके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज अपने रेज करें, कंसर्न रेज करें, तो ऐसे ही FPI जो है बाहर के लोग हैं, इन्होंने उसके ऊपर एक कंसर्न रेज करा है कि बाहर के फंड्स इतने ज़्यादा कंपेटेंट नहीं है इंडिया की रेटिंग्स को प्रोवाइड करने में। अब इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल उन्होंने दिया है, बट दिक्कत ये है कि वो सिर्फ एक ही एग्जांपल है और ऐसा कोई और स्टांस मतलब ऐसा चीज इन्होंने कम से कम मेंशन तो नहीं किया है, तो अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में आता है मैं आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इनका पॉइंट क्या है। इनका पॉइंट ये है, जैसे मैं अगर आपको बताऊँ गवर्नेंस के अंदर एक पॉइंट होता है, जैसे अगर आप एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन सोचेंगे उसके अंदर जो शेयर होल्डिंग है वो ओनर की कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, जो शेयर होल्डिंग ओनर की है वो हो सकता है कि मैक्सिमम आपको लग रहा हो बेटर हो, यानी कि जितना ज़्यादा एक ही पर्सन ओन करेगा जिसने स्टार्ट की कंपनी, जैसे अगर रतन टाटा टाटा कंपनी का 90% ओन करते हैं, तो ये फिगर अपने आप में देखने में अच्छी लगती है कि इनको अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, ये चीज़ें हैं। बट अगर आप ESG इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इस चीज़ को नेगेटिव की तरह व्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है उनको ये चाहते हैं वो लोग कि जो ओनरशिप है वो चीज़ बायस ना हो और कंट्रोल किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के हाथ में जाए। अगर मतलब ओनर है वो कंपेटेंट नहीं है, उसकी बाय लक कंपनी ग्रो हो चुकी है, तो वो हो सकता है फ्यूचर में कंपनी को डुबा दे, तो इसकी वजह से वो क्या चाहते हैं कि ओनरशिप बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होनी चाहिए। और मतलब एक आइडियल मार्क उन्होंने दिया है कि कोई भी ओनर या कोई भी इन्वेस्टर 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये किसी बुक में लिखा नहीं है, ये बस उनका एक मार्क है। अब यहाँ पर इसी के लिए क्या हुआ है कि ये चीज़ जो ग्लोबल ERP फर्म्स हैं वो इंडिया वाली कंपनीज़ को वैल्यू करने में या इंडिया वाली कंपनी की ESG रेटिंग प्रोवाइड करने में हो सकता है कॉम्पिटेंट ना आ रहे हैं फ्यूचर के अंदर, ये यहाँ पर पूरे इस न्यूज़ के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, छोटी सी न्यूज़ है, सम एनालिस्ट्स अप टारगेट्स ऑन मारुति पोस्ट स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फोर। तो यहाँ पर क्वार्टर फोर के बाद जो मारुति ने रिजल्ट्स निकाले हैं उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी ब्रोकरेज एजेंसीज हैं उन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया। टारगेट मतलब फ्यूचर में शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइसेस कितना बूम कर सकता है, प्राइसेस कितना ऊपर जा सकता है, मतलब जो स्टॉक प्राइस है, तो उसके अंदर मारुति का आपका ऑलमोस्ट काफ़ी सारी मतलब ऑलमोस्ट सभी नहीं ब्रोकरेज ने बढ़ा दिया है, जो कि यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं। तो अब आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। सो दैट इज इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी क्वेरी होता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मैं ऐसे जैसे मैंने कवर किया नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। और ये जो फॉर्मेट है मैं थोड़ा तेज़ भी बोल रहा होता हूँ और जल्दी जल्दी समझा रहा होता हूँ चीज़ों को, ये आई होप आपके लिए बेटर रह रहा होगा, क्योंकि मैं इसी में कंसिस्टेंट रह पाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके पूरा एक्सप्लेन करके नहीं अभी कवर कर सकता हूँ कुछ दिन के लिए कम से कम। सो दैट इज़ इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।